थोड़ा सा प्रैंक। और हाँ, इस व्लॉग पे ज्यादा लाइक होने चाहिए क्योंकि व्लॉग बहुत ही करीब है हर बच्चे के लिए, अपने माँ बाप के साथ कनेक्शन जो होता है ना, उस वजह से। तो आपने लाइक मस्त करना है और शेयर भी करना है लाजमी, और सब्सक्राइब भी करना है, और हर बच्चे को बोलना है कि भाई जितना जितना हो सके अपने माँ बाप को कर लिया करो, थोड़ा थोड़ा इधर पप्पी करो उधर पप्पी करो, मतलब भमार कर दो प्यार की, ताकि उनको पता लगे कि उनके बच्चे भी उनसे प्यार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, सो भाई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बन रहा है भाई मेरे फीवर के अंदर। मैं बता रहा था कि भाई बीमार मैं खुद बीमार हो गया। अस्सलाम बाबा, कैसे हैं? ठीक ठाक। मोम बुखार हो गया मुझे यार। थक हो गया वैसे भी। मैं वैसे थका रहता हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि बीमार ना हूँ और वो योगी हूँ। कल मैंने बोला था ना कि माँ अपने पर तवज्जो दो, कमजोर होते जा रहे। क्या करूँ फिर भाई, अब मैं इतना ज्यादा नाश्ता कर रहा हूँ आजकल। मैं सीम ना लगे, फ्रूट और जूस। देखो तो जिस सिटी में हम रह रहे हैं ना अभी, इतनी पॉल्यूशन होती है यहाँ पर, इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर है, यहाँ पर हवा में पॉल्यूशन है। बाहर बंदा जाए तो वो कौन सा ताजा तर हो जाएगा, वो तो बीमारी होगा। आराम नहीं करते सालों। आराम नहीं है हमारी लाइफ में। मामू कैसे बताऊं कि मेरी लाइफ में आराम नहीं है, डेली व्लॉग्स में आराम नहीं होता। नींद सही लो फिर। नींद भी कैसे लूं, रात को नहीं सो सकते जल्दी। मत छोड़ दो मास, तुमने आदत बना दी। बासिल यहाँ पर सो रहा है। नाश्ता जो है वो मेरा रेडी है, माड़ी पराठे वाली और अंडा और चाय। तो फटाफट से कर लेते हैं भाई नाश्ता। गाइस, नाश्ते के बाद जो मैं लेटा हूँ और अभी हो रहे हैं भाई 6:30। गोलियां मुलियां खाएंगे, थोड़ी बहुत हिम्मत आई है व्लॉग बनाने की, वरना तो अभी भी फीवर हो रहा है हल्का हल्का। मेरा मुन्ना जो है छोटा सा, वो खेल रहा है भाई। उठ गए, क्या हो गया वो भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? अभी तो पापा ने प्यार करना शुरू किया। बैठना नहीं है। ये बोल रहा मुझसे दूर रहो, बीमार हो भाई, दूर रहेंगे। क्या क्या किया भाई ये पूरे 4-5 घंटे? आज तो लेबर्स डे भी है भाई, पापा भी घर पे हैं, छुट्टी है। छोले भी बनाए, कस्टर्ड भी बनाए। किसके लिए? पापा के लिए। पापा बहुत खिदमत हो रही है। पापा जो है ना फालते का जूस लेने जा रहे थे आज। अच्छा, दरवाजे तक सही है ना, आपने बना दिया ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं पी सकता ये। पी सकते क्या? अरे एक और लेबर का आया हमारा, टमाटर्स और वो भैया दो लेबर्स। छुट्टी के दिन बाहर घूम रहे हैं। अबे टमाटर्स भी नहीं है, अबे टमाटर इधर तो नहीं है, वो टमाटर्स। अबे वॉशरूम में घुसा एक लेबर, तो भाई लेबर डे बाहर नहीं गया। छुट्टी आज तो वॉशरूम की तेरी, सिर्फ सो जा। उल्टा लिटा दिया। ये बास्केट चाहिए मुझे पता है, तुम्हें रंग बिरंगी चीजें चाहिए होती हैं। गेट बंद कर देते हैं। गेट बंद करना पड़ा है क्योंकि आज जो है ना, आज लेबर्स डे। यार वैसे तो तुमने टाइटल देख लिया, यार टाइटल जो है ना बहुत खराब चीज है, इससे पता लग जाता है कि व्लॉग में क्या होने वाला है। तो व्लॉग में होने वाला है कि भाई हम पापा को देने वाले हैं पैसे, पैसे। ये वाला व्लॉग ना बहुत ही इमोशन से भरा होगा, मेरी तरफ से भी, और आगे देखते हैं पापा की तरफ से होता है या नहीं होता। आज से पहले कभी भी ना, कभी भी, मैं 5 साल से मतलब काम कर रहा हूँ, 6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पापा को पैसे नहीं दिए आज तक। ना पापा ने मुझसे बोला है, ना मैंने पापा को खुद पैसे दिए हैं। असल पापा को मैंने दिए थे फादर्स डे पे, ठीक है। वैसे पापा को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पापा भी अपना काम करते हैं। अब जो इंसान काम करता है उसको तो कभी भी नीड नहीं होती कि भाई उसको कोई पैसे दे। अगर मैं दे भी देता ना, आप मुझे वापसी कर देते थे या सबको बांट देते थे पूरे घर में। जैसे कि फादर्स डे पे हुआ था, शायद 2 साल पुरानी वीडियो है वो, या 1 साल, उसमें पापा को मैंने 50,000 दिए थे, पापा ने सबको बांट दिए। तो भाई पापा का फायदा क्या हुआ? तो आज जो है ना लेबर्स डे पे सिर्फ हम पैसे देने वाले हैं पापा को, और वो पूरे के पूरे 2 लाख रुपए होंगे। मैं तो बड़ा खुश हूं कि एक बेटा अपने फादर को गिफ्ट कर रहे हैं मनी। आके वो पापा की चॉइस हो, पापा कुछ भी ले उसमें से। अगर हम गिफ्ट देते पापा को पसंद आता या नहीं आता, और गिफ्ट तो बनते नहीं, क्योंकि लेबर्स जो काम करती है उसको पैसे ही मिलते हैं, गिफ्ट तो नहीं मिलते है ना, ये समझ आया कॉन्सेप्ट? तो आज के दिन जो छुट्टी है उसमें पैसे ही मिलने हैं। सबा सबा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तू भी आ जा। 3 दिन से एक ही शर्ट पहना हुआ, नहा लिया अगर कभी। डमांडस आज है लेबर्स डे, तुझे पता है। तो हम छोटे मोटे मजदूरों को गिफ्ट दे रहे हैं। छोटे मोटे मजदूर। अबे तुझे गिफ्ट नहीं मिलने वाले, तू खुश हो गया? अबे रुक, छोटे मोटे मजदूर निकालो, पैसे निकालो। एक क्रिएटर का छोटा बड़ा नहीं होता, तो एक मजदूर भी छोटा बड़ा नहीं होता। अबे क्या बात कर दी भाई, तुझे तो फिलोसोफर होना चाहिए था भाई, बहुत आला। लेट लेट के तो फिलोसोफी देता। ये है हमारी तरफ से पापा के। ये देख 2 लाख रुपए। अबे पापा मजदूर है और क्या, हर काम करने वाला मजदूर ही लेबर है। अबे नहीं नहीं, मुझे सबा ने गिफ्ट कर दिए हैं पैसे, लेकिन व्लॉग में नहीं लिए, सबा ने दिए हैं मुझे। अब कम दिए दादा दी, हम नहीं बता रहे, लेकिन दिए। थैंक यू सो मच यार। पापा की बारी। अब एटीट्यूड वाई नहीं है यार। अब एटीट्यूड वाई गया भाई। कहाँ गए भाई? वो अपने व्लॉग के लिए गए हैं। अच्छा वो गए, रात को आएगा वो? रात तक कौन वेट करे, वो मजदूरी कर रहा है, वो आज भी मजदूरी कर रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मम तो नहीं पता ना, मजा देगा कहाँ, नहीं पता। मम पापा को लेबर्स डे पे पैसे मिलने वाले हैं। मदर्स डे भी आ रहे हैं, फायदा तो मेरा भी हो जाता है। क्यों फायदा हो जाता है आपका?
पापा को नहीं दे देते सबको थोड़े थोड़े। वाह ये क्या बात है, हम सिर्फ पापा को दे रहे हैं अभी, आपने अपनी खुशी नहीं देखनी, आपकी खुशी बाद में। यार आप कसम मेरी मोम को जब भी बताना किसी को पैसे मिलने गिफ्ट मिलने, मोम बोलती मेरा डेबी कब आएगा। मैंने आपने वो भी तो बताया था क्या ड्रीम क्या बता दिया था गाड़ी में जो बताया था, अभी बता नहीं सकती। ओके ओके मोम पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख लेती है, फिर उसकी ताबीर मुझे बताती है, तो वो तो मैं ब्लॉग में नहीं लेता, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यार नहीं भाई, जो हमारा एंटरटेनमेंट है सिर्फ एंटरटेनमेंट है। पापा जो है अभी लेटे हुए, पापा उठ जाए, पापा इतना स्पेशल गिफ्ट आ रहा है और आप लेटे हुए। 1 2 3 थोड़ा सा प्रैंक ट्यूशन से आ गई। एक बार तो याद है हमने पापा को गिफ्ट दिया था, कब दिया था? फादर्स डे पे दिया था कोई गिफ्ट दिया था। मम्मा को मदर्स डे पे अलग दिया था, लेकिन आज कुछ और सा गिफ्ट है जो कि लेबर डे पे, लेबर डे ना, लेबर है ना। 1 2 3 क्या है भाई ये गिफ्ट है हमारी तरफ से आपके लिए। अच्छा ये है लेबर्स डे, जितनी भी आपने मजदूरी की हमारे लिए और हम सबको इतना बड़ा किया, इतने से उस सब का गिफ्ट चाहिए है भाई। हाँ भाई खुशी की बात है ना, ये तो मेरा ये रहा गिफ्ट। हाँ ये भी गिफ्ट है, खुशी की बात है भाई। बासिल को तो अभी पता ही नहीं है, बासिल आप मदर्स डे पे कुछ नहीं दोगे? कैसा लगा भाई आपको पापा फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने आपको कभी पैसे दिए? फादर्स डे भी तो दिए थे, वो आपने बांट दिए थे ना, तो ये भी भाई इनको पता चल जाएगा दोनों को। नहीं ये सिर्फ आपके हैं, आपने किसी को देने नहीं है, ये आपने जो मांगना फिर हम भी लेंगे बच्चे खुशी में भाई। नहीं नहीं आपा ये नहीं करना, खुशी लो खुशी में देते हैं। नहीं आप छुपा दें, नहीं दे बाकी लो इसको से भाई, कैसे मांग रहे हो पापा? नहीं है, अरे पापा से मांग सकते हैं हम। चलो ठीक है भाई, बस ठीक है फिर, पापा आपकी मर्जी भाई, आपको देने नहीं। लेकिन आपको कैसा लगा भाई फर्स्ट टाइम? चेहरा चमक रहा है पापा, चेहरा चमक रहा है पापा, शाइन कर रहा है सब जगह से। वो मेरी गेम शो की शर्ट इधर क्या कर रही है, पोछे के लिए? नहीं नहीं इन्होंने कोई शॉपर निकाला उसके अंदर थी। अच्छा अच्छा संभाल के रखो भाई, मेरी एफर्ट्स हैं ये भी भाई, पूरे पूरे डेढ़ साल काम किया मैंने, मजा आ गया भाई गिफ्ट करके पापा को। अच्छा लगता है ना कितना? हाँ मुझे भी कल इतना अच्छा लग रहा था रात में आपको गिफ्ट। देखो दिल तो चाहता है कि सारे पैसे दे दें ठीक है, बट होता ये है कि गिफ्ट के तौर पे आप दे सकते हो फादर्स को, मदर को, बहन भाइयों को, क्योंकि अगर आप सारे ही गिफ्ट कर दोगे ना, तो फिर आप जो पैसे गिफ्ट कर दोगे जो आपने अपने बैकहैंड के लिए रखे होते हैं, तो फिर आप काम कैसे करोगे आगे? वरना तो सारे ही पैसे होते हैं पेरेंट्स के ही, लेकिन अगर सारे गिफ्ट कर दो ना तो उसमें मसला बन जाता है। तो हमने कुछ अमाउंट सिलेक्ट किया था, सब और मैंने किया था कि हम भाई पापा को 2 लाख रुपए देंगे गिफ्ट, और मेरा वाला सिर्फ मैंने किया था, क्योंकि अभी मुझे आगे मास की बर्थडे भी आ रही है, बहुत जद्दोजहद करनी है। हाँ समर मुझे पैसे दिए लेकिन थोड़ा अमाउंट दिया है, क्योंकि अभी इसने भी मेरी बर्थडे भी लगाने हैं पैसे, क्योंकि ये बस एक शौकीन है, इसको बड़ा मजा आता है कि भाई मैं किसी के लिए, मतलब घर वालों के लिए भी कर लूं, अपने लिए भी कर लूं, मास के लिए भी कर लूं। अच्छी वाइफ है मेरी, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह है बच्चों वाली नेचर, लेकिन मजा बड़ा आता है। बुरी बात। अगर आप लोग भी इस लायक हैं या इस काबिल हैं कि अपने माँ बाप को आप गिफ्ट कर सकें पैसे या कोई भी दूसरी चीज, पैसे जरूरी नहीं है, आप कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट भी दे सकते हैं। हाँ जैसे कि मैंने लेबर डे पे दिया ना, तो मैं लेबर डे पे इसलिए दिया है, बात सुनो, लेबर डे मैंने इसलिए दिया है क्योंकि लेबर को पैसे ही मिलते हैं काम करने के, ठीक है, लेबर्स को गिफ्ट नहीं मिलता, समझ आई कॉन्सेप्ट? तो लेबर्स डे पे मैंने, हाँ अभी मदर्स डे आ रहा है, फादर्स डे आएगा, तो उस पर जरूरी नहीं है कि आपने पैसे देने, नो आपने कोई अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट देना है, तोहफा देना है, कुछ भी तोहफा, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जितने आप लाइक हो, जितना आप कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि जब उन्होंने हमें इतना बड़ा कर दिया है और हम किसी काबिल हो गए, तो हमारा फर्ज तो लाजमी है, फिर ये हमारा फर्ज ही हो जाता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। बहुत सारा प्यार करो अपने माँ बाप को और उनकी खिदमत करो, और दूसरों से भी कहो कि भाई जो अपने माँ बाप से लड़ा हुआ है, जो अपने माँ बाप से लड़ाई करके बैठा हुआ है, और जो अपने माँ बाप से मिलता नहीं है, जो बदतमीजी करता है, वो भी अपने माँ बाप का बहुत सहारा बने और उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें, और उनसे दोबारा से वही वाला कनेक्शन जो उनका बचपन में था वो वाला कर लें, तो लाइफ सेट है, क्योंकि उनके दिल से जो दुआ निकलेगी ना, वो आपके लिए बहुत पावरफुल और बहुत कामयाबी की दुआ है। कार्टून देखते देखते सूजी खाई जा रही है भाई, जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो इसलिए दिखाती हूँ कि इसका ध्यान बढ़ जाए और ये पूरी सूजी खा ले। मॉम सबको आइसक्रीम में खिला रही है, मॉम सब बीमार हो जाएंगे फिर देख लो। नहीं बीमार, और बीमार हो जाऊंगा, हट नहीं नहीं
पागल हो गया? नहीं भाई बीमार, अब गले खराब। लो भाई पापा सबको बीमार, सब बीमार हो जाएंगे एक साथ, मौसम चेंज। वही वाली ऑरेंज वाली जो बचपन में, हाँ बचपन में खा सकते थे, अभी नहीं खा सकते, हट जा हट जा। बचपन में तो लड़ते थे बीमारी में खाएंगे, लेकिन अब देखो ना, अब होगा कल आ गई है, भाई बीमार हो तो नहीं खाओ, या उससे पहले भी नहीं खाओ ताकि बीमार ना हो जाओ। पापा से ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। भाई एहतियात करता हूँ, एहतियात नहीं, एहतियात पापा भी नहीं करते, करनी चाहिए एहतियात, है ना बेटा मॉडस, करनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं। अब बेटा मॉडस फटाफट से खाते हैं गोलियां यार, ये हो गई गले की, ये हो गई बुखार या दर्द पर, पूरा बॉक्स बना के हमने रखा हुआ है, इसमें सारी दवाइयां। आ जाओ आज, जिस चीज से सबसे ज्यादा चिड़े ना मुझे वही चीज हो गई, बीमारी। दुआ करना यार आप सबके मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। यार ये हम लैपटॉप लाए थे और एक दो व्लॉग बनाए, उसके बाद से लैपटॉप को देखा ही नहीं, क्योंकि यार लैपटॉप की जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि अगर आपको कोई मूवी शूवी देखनी होती है उसके लिए टीवी आ गया है, और अगर एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो वो लैपटॉप पे मुझे हो ही नहीं रही, क्योंकि होता यह है कि जो लैपटॉप पे एडिटिंग करता है वो लैपटॉप का आदि हो जाता है, जो मोबाइल पर एडिटिंग करता है वो मोबाइल का आदि हो जाता है। तो मैंने बड़ी ट्राई की थी, इसमें मुझे 10-10, 12-12 घंटे लग रहे थे लैपटॉप एडिट करने में, तो मैंने बोला 10-10, 12-12 घंटे अगर मैं एडिट करना बैठा तो फिर तो मेरे 2 दिन बाद व्लॉग आया करेगा, इसलिए मैंने बोला नहीं यार जो चलता है वैसे ही चलाते। किधर 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 आवाज आ रही है मुझे, जल्दी बता दो। मैं जा रही हूँ शॉपिंग में। क्यों? सेल लग गया। गाइस मैं तुम्हें सबसे अच्छी टिप दूं बिजनेस की, या पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पता क्या होता है, जितने भी लेडीज ब्रांड है आप पता क्या करो, आप ना सिर्फ पूरे पूरे साल सेल लगा के रखो, और यकीन मानो आपकी सेल दुगनी तिगनी हो जाएगी, क्योंकि लड़कियों को पता ही, हमको पता ही नहीं है ये चीज क्या होती है, चीज क्या होती है, बस उनको सिर्फ सेल का मतलब समझ आता है। अरे हमें पता, भले तुम्हारे कपड़े महंगे हो या सस्ते हो, जब न्यू अराइवल तो महंगा करके सस्ता कर दो, लड़कियां आ जाएंगी खरीदने। अभी तो बता सकते हो कि भाई वो अपने पुराना शौक निकाल ले होंगे, हमें पता है, फिर भी हमें चाहिए होता है। तो यही तो बिजनेस टिप दी है कि पता भी हो तो फिर भी लोग सेल के कपड़े लेती हैं। भाई सेल नहीं लगाओगे तो नहीं बिकेंगे, सेल लगा के बेचो भला धड़ बिकेंगे। आज भी पिज्जा, कल भी तो मंगाया था पिज्जा, आज सबाजी तरह से पिज्जा, तो कल किसी तरह से था, तेरे भी बड़े मजा आ रहे, मुझे भी खिला दे यार, खा लू। बुकिंग शुरू हो गई ना, गोली छोले खा ली। घर में क्या बना, घर में भाभी क्या बना, पैसेंजर। तू कब गिफ्ट करेगा कि पापा को, कब काम शाम करेगा तू? अबे करते हैं अबे, काम क्यों नहीं करते, अबे पैसे कब देगा पापा को, या गिफ्ट कोई, तूने आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है बे, अबे बता, इंशाल्लाह देंगे देंगे, देगा पक्का। अबे तुझसे ये नहीं पट रहा, अबे तू काम क्या करेगा, तुझसे ये नहीं खुल रहा बे। हाँ हाँ हाँ, कौन सा व्लॉग, इसके सबक पता क्या होते हैं, मतलब ने व्लॉग डाल दिया, मुझे आज की पिक्चर डालनी है। अच्छी वाइफ पहले नहीं रिवील करती कि हम कहाँ गए, सबक हमेशा यही होता है कि मतलब आपने व्लॉग डाल दी, जब भी हम घूमने फिरने जाते हैं सब वहाँ पिक्चर देती है, अभी हमें जैसे व्लॉग डालता हूँ उसके 1-2 मिनट बाद सबक की पिक्चर आ जाती है। अब मुझे डमाडस से बहुत उम्मीदें हैं कि डमाडस जो है ना नेक्स्ट ईयर पापा को गिफ्ट देगा इंशाल्लाह। हाँ डमाडस इंशाल्लाह। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ओए ये देखो ये देखो, ओए एल्ट्रूड भाई भी आ गए भाई, अस्सलाम वालेकुम बेटा, पापा को हमने गिफ्ट दिया है। कौन सा? पूछो पापा से जाकर, अभी टेबल पे बैठ कर खाना खाने के लिए, फिर पूछता है। पेपर शुरू होने वाले हैं इसके, यही बोलती है इससे रोज डेली, सुबह कौन पढ़ा था, सुबह पढ़ती है उसके बाद ये फिर दोबारा ये ले लेती है, पता चलेगा ना सब्सक्राइबर्स को कि इसने कितनी मेहनत की। सब्सक्राइबर्स को पता लगेगा कि कितनी मेहनत की है इसने, सुबह से पढ़ रही हूं, अभी पढ़ा है लेकिन इसको ज्यादा एंजॉय नहीं करो, और दो टैब लेके देखो और मेहंदी भी रखी हुई, छीन लो मम, आप छीनती नहीं, आप भी तो इतनी मासूम हो ना, कसम से मम्मा को बताना पड़ता है कि मम ये कर लो। हमारा बासिल जो है कल की नींद पूरी कर रहा है, दोपहर से सोने में लगा भाई, टमाटर मिंडस बन गए तुम भी, तो बैठ चुके हैं भाई खाने में, एक पसंदे और एक भिंडी। पूछा बाबा से गिफ्ट क्या मिला, पापा क्या गिफ्ट मिला आपको, इसको तो बता दें गिफ्ट पापा, ये था ही नहीं भैया से भी तो लेना है गिफ्ट, अब भैया से भी गिफ्ट लेना है। गिफ्ट है वैसे किस चीज की खुशी में, आज क्या है, आज क्या है, आज लेबर डे। हाँ बड़ी जल्दी याद आ गया, लेबर डे में हमारे अपन ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अच्छा हाँ, उसका पापा को गिफ्ट दिया हमने, दे देंगे पापा को गिफ्ट। हाँ पापा को गेम खिला लेते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ आज के दिन भी छुट्टी नहीं दे रहा ये मम्मा को, तो खिला रहा है आजकल गेम ही। हाँ मजा आ रहा हूँ गेम खेलने में, मजा मम्मा को जीत रही नहीं जीत रही मम्मा, अभी तक तो जीती है 500 रुपए जीती है सर, बस थोड़ी बड़ी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से खाते हैं भाई खाना। okay. भाई कस्टर्ड भी है, मैं तो मैंने देखा ही नहीं, जेली में डालो जेली अभी। कस्टर्ड जो है वो काफी टाइम बाद खा रहे हैं हम, यानी कौन सा फ्लेवर है लेकिन खा लेते हैं, मैंगो लग रहा है मेरे को तो, मजे गए। फिर आइसक्रीम खा रही है, कितनी आइसक्रीम खाती तू ये वाली यार, तुझे पसंद तो नहीं आ गई, मुझे आज से ज्यादा पसंद है। नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे ललचा रहे हैं ये लोग यार, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, मैं जा ही नहीं पा रहा शॉप के ऊपर क्योंकि गले खराब है। महाराजा उठ गए हैं भाई, मुबारक हो पापा, पकड़ लें आपको। हाँ ये देख रहे हैं भाई टीवी, ये इतने मजे से माशाल्लाह, ये टीवी नहीं होता ना तो सुकून से नहीं लेट पाते थे। फटाफट से आज भी पूरे दिन हाई नहीं किया, सोते रहे तुम,
हाय या बाय कर दो, चलो आखिरी तुम तो आखिरी वक्त पे हाय कर रहे हो आजकल, बाय कर दो। अरे इसको नहीं करना बाय, नहीं करना इसको हाय करना। ये भी डमाडा उसको मारते हैं। अबे अबे टूट जाएगा, अबे 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 वो रो रहे हैं। अबे तो मेरे मुन्ने की टांग तोड़ जोड़ के दे, चल बासिल का खिलौना तोड़ा तू, ये वाली बॉल पड़ेगी। हाय भाई हाय, जब तबियत खराब होती ना तो भाई ब्लॉग नहीं बन पाता सही से। जब आपको ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त 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 कर दो। इमोशंस पापा की तो आपने थोड़ी देखी, चमकती हुई धमकती हुई जो कि चेहरे पे खिलखिलाहट थी, बाकी तो पापा कुछ बोलते नहीं है। पापा थोड़े से इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, बहुत कम बात करते सिर्फ हमसे तो यस। लेकिन पापा के दिल में क्या बात होगी वो हमें नहीं पता, सही है वो उनको पता है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी तो बता ही देंगे। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त कर दो, लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो मस्त मस्त मस्त। और दुआ लाजमी करना कि तबियत ठीक हो जाए, फिर कल से फिर एनर्जेटिक व्लॉग आने लग जाएंगे, तो या वरना तबियत खराब होगी तो फिर डल डल व्लॉग आएंगे। तो बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो। We'll be right back.